हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज फिर से क्यू एंड ए आपके बीच में लेकर के आए हैं। ये वीडियो इसलिए क्योंकि पिछले वीडियोस जो हमने किए उसकी वजह से हमको बहुत सारी क्वेरीज मिली और बहुत सारे लोगों ने अर्जेंट लिख के भी भेजा था। तो क्योंकि हमने कहा था कोशिश करेंगे कि अर्जेंट वाली क्वेरीज को हम एज सून एज पॉसिबल आंसर करें, और अर्जेंट वाली क्वेरीज मिला के अप्रॉक्सीमेटली 10-11 क्वेरीज हो गई, तो सोचा शॉर्ट्स बनाने से अच्छा, रील बनाने से अच्छा पूरा एक फुल लेंथ क्यू एंड ए वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाले वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलती होगी, ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, ऑनेस्ट रिव्यूज़ हम लोग शेयर करते हैं, तो आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं बहुत सारे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जिसका हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं आप लोगों को मैक्सिमम लोगों तक, अपने फ्रेंड फैमिली दोस्त जहाँ तक आप इस चैनल को, आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ करें। थैंक यू सो मच। अभी आज आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभिषेक सिंह जी की क्वेरी है फर्स्ट क्वेरी, और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेरीज और थी, लेकिन हमने इनकी क्वेरीज ली, इससे बाकी के 2-3 लोगों को भी अपना आंसर मिल जाएगा। बेसिकली क्वेरी है प्रोजेक्ट YTT को लेके। कैन यू प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन YTT लाइफ एंड जॉय? व्हाट विल बी द क्वालिटी ऑफ लाइफ देयर एज कम्पेयर टू फ्लैट्स इन सुशांत गोल सिटी और गोमती नगर एक्सटेंशन? बेसिकली फ्लैट्स इन टाउनशिप वर्सेज सुशांत गोल सिटी, गोमती नगर एक्सटेंशन एक्सेट्रा। Also, what should be the best exit price in next 3 years for a 3 BHK front road facing? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सी बार क्या होता है जब हम एक फ्लैट को खरीदते हैं तो वो एक 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ का एक सोसाइटी, लखनऊ में तो 14-15 एकड़ के बहुत सारे कम प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो 15 एकड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर वो किसी टाउनशिप का पार्ट हैं तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि हमको टाउनशिप की बहुत सारी एमिनिटीज़ का बेनिफिट मिलता है। जैसे अंसल्स एक टाउनशिप है, उसके अंदर कोई भी अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट होगा, जैसे निशिता मलबरी हाइट्स, ओरो कॉन्स्टेला, चंद्रा पेनोरमा, ओकास्ट रेजिडेंसी, ब्लिस डिलाइट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कियारा रेजिडेंसी, इन सभी प्रोजेक्ट्स को क्या फ़ायदा मिलता है? इन्होंने तो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, लेकिन इसके साथ में अंदर 7 से 8 स्कूल्स हैं, अंदर कोचिंग सेंटर्स हैं, अंदर अच्छी बड़े ग्रीन एरियाज हैं, गोल्फ कोर्स है, अंदर ही आपको लुलू हाइपर मार्ट मॉल मिल जाता है, रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, कमर्शियल जोन है, शॉपिंग प्लाजा है, वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट है, और ये तो अभी है, बहुत सारी ऐसी और कंपनीज और ऐसे डेवलपमेंट जो आने वाले टाइम में आएंगे, लेकिन इन सब का बेनिफिट अंसल में होने की वजह से मिलेगा। ऐसी YTT है, पिंटेल के अंदर है, अंदर एक स्कूल आएगा, अच्छे बड़े ग्रीन एरियाज है, अच्छा बड़ा क्लब हाउस बनेगा आने वाले टाइम में, चौड़ी सड़कें होंगी, तो ये डेफिनेटली एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो रीसेल वैल्यू है वो ज़्यादा होती है उन फ्लैट्स की जो एक टाउनशिप का पार्ट होते हैं, बजाय कि सिर्फ एक स्टैंडर्ड लोन एक अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड लोन अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हमको हर चीज़ के लिए बाहर रोड पे जाना पड़ेगा, हर छोटी मोटी ज़रूरत का सामान के लिए हमको नियरेस्ट मार्केट में जाना पड़ेगा, टाउनशिप में हमको बहुत बड़े एडिशनल फीचर्स अंदर ही मिल जाते हैं। तो इसीलिए डेफिनेटली YTT कंपेयर टू गोमती नगर एक्सटेंशन या YTT कंपेयर टू सुशांत गोल सिटी से अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ तो मेरी नज़रों में YTT इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन उसका कंपैरिजन अंसल से नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग जो पिंटेल में रहेंगे उनकी भी बहुत मेजर हद तक जो रिक्वायरमेंट है वो अंसल से ही पूरी करने वाला है। उस पूरे एरिया में बहुत मेजर जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, स्कूल्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, गोल्फ कोर्स, रेस्टोरेंट, उन सब का मेजर आंसर अंसल्स में ही मिलेगा। तो कोशिश करें अगर अंसल्स में फ्लैट हो तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज मेरा अगर आप पिंटेल एज अ YTT की बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिस रेंज में उस प्रोजेक्ट को लाई कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी वैल्यू वेल्थ क्रिएट हुई है, और मेरे हिसाब से 3 साल के अंदर 6,000 के आसपास का रेट होना चाहिए इस प्रोजेक्ट का, जो 1200 स्क्वायर फुट की यूनिट है, लगभग 60-65 लाख के आसपास, 70 लाख के आसपास में जाने का दम रखती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत तेज किया है, पिंटेल में भी पोजिशन स्टार्ट होने वाला है, और इस तरीके का प्रोजेक्ट कोई दूसरा भी है नहीं, रेट जो है वो बहुत ज़्यादा भाग गए हैं, तो अल्टीमेटली उसका एडवांटेज मिलेगा हर अफोर्डेबल या मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट को, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट लग्जरी की तरफ भाग गए हैं, तो एक क्योंकि बहुत सप्लाई कम है इसीलिए भी रेट भागेगा। जरूरी नहीं है कि उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा हो 70 लाख रुपए का, वो प्रोजेक्ट हो सकता है 60 लाख की वैल्यू का हो, लेकिन जो वो 5 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गए वो इस बात से कि कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अभी आज के टाइम पे। तो मेरे हिसाब से YTT एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन गोमती नगर एक्सटेंशन वर्सेज अगर सुशांत गोल सिटी करते हैं तो मेरे हिसाब से सुशांत गोल सिटी के पास एज है। और दूसरा एडवांटेज जो पिंटेल और अंसल दोनों को है कंपेयर टू गोमती नगर एक्सटेंशन, कि गोमती नगर एक्सटेंशन में अपार्टमेंट के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं और प्लॉट और विलास कम हैं,
तो डेंसिटी रोड पे इसीलिए आप फील करोगे एमआर एमजीएफ की तरफ, ओमेक्स की तरफ, शालीमार वन वर्ल्ड की तरफ आपको जाम ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा। और जैसे ही गोमती रिवर क्रॉस होती है, जैसे ही हम पिंटल की तरफ आते हैं, हम अंसल्स की तरफ आते हैं, तो वहां पे प्लॉटेड डेवलपमेंट ज्यादा है, प्लॉट विलास ज्यादा है, अपार्टमेंट कम है, इसीलिए वहां पे कंजेशन कम रहता है, रोड्स पे ट्रैफिक कम रहता है, मूवमेंट इजी रहता है और कई सारे वेरियस एंट्री एग्जिट पॉइंट मिल जाते हैं। तो इस वजह से ये भी एक एडवांटेज है सुशांत गोल्ड सिटी का या पिंटेल का ओवर गोमती नगर एक्सटेंशन। अलीम अहमद जी की क्वेरी है, शालीमार के कुछ नए कमर्शियल्स आ रहे हैं वन वर्ल्ड के अंदर, उनके बारे में जानना चाहते हैं, रेरा नहीं आया अभी तक, हम इस प्रोजेक्ट के बारे में ना कोई नाम ले सकते हैं, बस मैं एक ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर सकता हूं। लखनऊ मार्केट में, मैं ये ओवरऑल शालीमार के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं किसी ब्रांड के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल एक जेनरिक टर्म्स में बात कर रहा हूं। कोशिश करें, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट 25 लाख 40 लाख 50 लाख के होते हैं, तो लोगों को लगता है हमने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में एक इन्वेस्ट कर देते हैं रेजिडेंशियल, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन एक चीज़ को जो हम मिस कर रहे हैं, लखनऊ के अंदर में जॉब्स ना होने, मतलब प्राइवेट जॉब्स बहुत कम है, इस वजह से माइग्रेशन रेट बहुत कम है, सैलरीज़ के जो पैकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है लखनऊ में या सराउंडिंग यूपी में, अगर मैं बात करूँ लखनऊ के आसपास के जो सिटीज़ हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि जो ऑफिस स्पेस है, ऑफिस स्पेस मैं ले तो लूँगा चलिए 50 लाख रुपये का एश्योर रिटर्न, जो कि नहीं, जो कि पोंजी स्कीम है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मान लिया कुछ बिल्डर्स आपको एश्योर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन वो एश्योर रिटर्न 3-5 साल बाद तक ही मिलेगा। 3-5 साल के बाद क्या होगा, कौन उस ऑफिस को लेगा? अगर वो ऑफिस स्पेस एबंडेंस में सप्लाई आ रही है जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, वो ऑफिसेस खाली पड़े हुए हैं, बिकॉज एक 5 साल के बाद उन ऑफिसेस को कोई ऑक्यूपाई करने वाला नहीं है। बड़ी मेहनत लगती है, डीएलएफ जैसी कंपनी को माईपैड जैसे प्रोजेक्ट में अपने बची हुई इन्वेंट्रीज को बेचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और पूरी एक टीम लगानी पड़ी, लेकिन वो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो हैबिटेशन, वो एक लाइवलीनेस तो आ गई उस प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन अब मेजर फैक्टर मेरी नजरों में ये है कि जिनको भी हम लेकर आए हैं, जिनको भी मतलब वहां की टीम लेकर आई है किराए पे अपनी यूनिट्स को चलाने के लिए, वो कितने समय तक चल पाते हैं, बिकॉज ऑफिस स्पेस या स्टूडियो अपार्टमेंट्स, ये सबका एक प्रॉब्लम ये है। स्टूडियो अपार्टमेंट मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, स्टूडियो अपार्टमेंट उन सिटीज़ के लिए हैं जहाँ लाइफ बहुत फास्ट है, मैनहट्टन, न्यूयॉर्क, इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो बॉम्बे, चेन्नई, मेट्रो सिटीज स्पेशली, तो अगर इन सब जगहों पे जहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत इन्फ्लेटेड हैं, बहुत माइग्रेशन रेट है, बाहर से लोग बहुत ज़्यादा आके सेटल हो रहे हैं, वहाँ पे तो ये स्टूडियो स्पेस, ऑफिस स्पेसेस चलेंगे। जहाँ पे अभी प्राइवेट जॉब्स नहीं हैं, जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पे स्केल बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पे कमर्शियल मार्केट स्ट्रगल करती है। बट एट द सेम टाइम क्यों रेजिडेंशियल मार्केट अच्छा करती है कंपेयर टू कमर्शियल मार्केट? एक तो पहली चीज़, कमर्शियल मार्केट में जब हम 40-50 लाख की चीज़ें लेते हैं तो हम बिल्डर के सेंट्रिक प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि बिल्डर 5 करोड़ का अगर एक बेचेगा 10,000 स्क्वायर फुट का एंकर, तो वो खरीदार कम हो जाएंगे, हालांकि वो सक्सेस ज़्यादा होगा, लेकिन क्योंकि खरीदार कम हो जाएंगे तो बिल्डर को जल्दी जल्दी बेचनी होती है अपनी इन्वेंट्री, इस वजह से वो डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि छोटा बनाओ, छोटी कॉस्ट आएगी और जल्दी हमको ग्राहक मिल जाएंगे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के नाम पर, जो कि एक ट्रैप है मेरे हिसाब से, ये नहीं होना चाहिए। और रेजिडेंशियल में क्यों लखनऊ का मार्केट अच्छा चलता है, उसका कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो लखनऊ या यूपी से बिलोंग करते हैं, बैंगलोर में हैं, यूएस में हैं, यूके में हैं, अलग अलग लोकेशंस पे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को गोरखपुर से, गोंडा से, हरदोई से, अलग अलग टीयर 4 छोटे शहरों से लखनऊ में लाना चाहते हैं, बिकॉज लखनऊ का इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सिटी बहुत अच्छा है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, आपका रेलवे स्टेशन से आपको अलग पार्ट्स ऑफ दी अगर किसी सिटी में जाना है तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, उसके लिए वो चाहते हैं रेजिडेंशियल सेटअप मिल जाए। और रेजिडेंशियल प्लेयर्स बहुत कम है, गिन चुन के 7-8 प्लेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो सप्लाई उतनी ही है मेंटेन, डिमांड बढ़ती जा रही है, इस वजह से रेजिडेंशियल का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये मैकेनिज्म को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कमर्शियल की भी सप्लाई बढ़ रही है नो डाउट, लेकिन कमर्शियल में फाइनल ऑक्यूपेंट, मेरा कमर्शियल की सक्सेस रेजिडेंशियल की सक्सेस तब मानी जाती है जब बिल्डिंग को मैंने बेचा या मैंने प्लॉट बेचा और सर्टेन टाइम बाद उसका रेट ऊपर जाने लगा तो वो सक्सेस हो गया और टाइम से मिल गया, जो बिल्डर ने प्रॉमिसेस किए थे जैसे किए थे, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई। कमर्शियल का सक्सेस इस बात पे नहीं है, कमर्शियल का सक्सेस इस बात पे से शुरू होगा कि जब बिल्डर ने सब बना दिया,
मैंने 50 लाख 60 लाख का एक इन्वेस्टमेंट किया था, बिल्डर ने बिल्डिंग बना दी, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, समय से बनाई, जो प्रॉमिस किए थे वो सब हुए, लेकिन अब इसको आगे लीज पे कौन लेगा, इस पे लीज रेंटल कितना मिलेगा, क्या बिल्डर उसमें मुझे कोई असिस्टेंस दे रहा है, क्या बिल्डर मुझे कोई प्रॉमिस कर रहा है, क्या उस बिल्डर की ऐसी प्रोफाइल है कि उसने कमर्शियली अच्छे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है जहाँ पे अच्छे लीज रेंट आ रहे हों, वो एक्चुअल हमको देखना है। तो अगर उस नज़र से हम देखेंगे तो कमर्शियल के बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं है लखनऊ में। फिर भी अगर आपको लखनऊ में कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने हैं तो कमर्शियल प्लॉट्स जो कि डेफिनेटली बड़ा आपको 2-3-4 करोड़ के रेंज के प्लॉट्स आएंगे, आपको वो दिमाग में लेके चलना चाहिए। सेकेंडली शॉप्स, अगर हम कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग में जाते हैं तो नीचे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शॉप के ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत कम है लखनऊ में और उसकी डिमांड है, क्योंकि एडिडास, नाइकी, बहुत सारे ब्रांड, सैलून, बैंक्स, इन सबको एक कमर्शियल स्पेस चाहिए, तो वो ऑफिस स्पेस उनका वो पर्पज़ सर्व नहीं करता है, लेकिन उनका वो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर वो पर्पज़ सर्व करता है। अगेन अब हम बात आ जाती है कि ये तो करोड़ों में होती हैं, तो बॉस कौन कह रहा है कि 50 लाख जेब में है और आप रेजिडेंशियल ना लें, आप कमर्शियल लें, आप प्लॉट लें 50 लाख का रेजिडेंशियल, आप 40 लाख का कहीं दूर लखनऊ से कोई भी लैंड परचेज करें वो भी रिटर्न देगी। जरूरी नहीं है कि मैं 50 लाख का कमर्शियल लूं और तो ही मुझे रिटर्न देगा, आप 2.5-3-4 करोड़ जब कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे तभी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और अच्छे रेंटल्स मिलेंगे, जब अच्छे रेंटल्स मिलेंगे तभी वो प्रोजेक्ट या आपकी प्रॉपर्टी सक्सेसफुल कहलाई जाएगी। थर्ड क्वेरी है कुसुम पाल जी की, सर मैं आपको हमेशा फॉलो करती हूँ, बहुत हेल्प मिलती है, थैंक यू सो मच। मेरा प्लॉट सेफायर रॉयल में है, LDA वाले पोर्शन में है, अभी उसे होल्ड करूँ या सेल कर दूँ, बेनिफिट्स किस में हैं? 100% उसको आप होल्ड करिए, अभी नहीं अगले 4 से 5 साल और होल्ड करना है, वेट करिए टिल द टाइम जब तक वो किसान पद प्रॉपर चलने लग जाए, अच्छा ट्रैफिक वहाँ पे आने लग जाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अच्छा ट्रैफिक आने लग जाए, तब तक आपको होल्ड करना है, बिल्कुल बेचने का नहीं सोचना है। और वो कोई आपको बोले भी कि बेच के कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, आज की डेट में जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो बहुत इन्फ्लेट हो गए हैं, अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो लगाएंगे कहाँ? अगर इसका आंसर आपको दिख रहा है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तब तो सोचें, अगर नहीं मिल रही है तो इस प्लॉट को 4 से 5 साल तो मिनिमम अभी होल्ड करना है। अगर लग रहा है कि 4000 का रेट आ गया, 4200 का रेट आ गया, ये तो बहुत है, अभी 7000 भी आएगा आने वाले टाइम में, 6000 भी आएगा, तो प्लॉट है, LDA अप्रूव्ड है, अच्छी टाउनशिप में है, डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डर ने बना दिया है और उसके आसपास भी बहुत ज्यादा बज बना हुआ है उस एरिया के आसपास, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए मेरी नजरों में तो। नेक्स्ट क्वेरी लोकेश जी की है, आज के टाइम पे कौन सा प्रोजेक्ट सही रहेगा इफ आई एम लुकिंग फॉर अ 3 BHK विद 3 वॉशरूम्स अंडर 90 लैक्स? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, लखनऊ की मतलब बदकिस्मती ही कह सकता हूँ मैं कि इतने प्राइजेस इन्फ्लेट हो गए हैं पिछले 2-2.5 साल में कि 90 लाख का बजट भी कम लगता है, बोलने में भी अजीब सा लगता है कि 90 लाख के बजट में शायद ऐसे ऑप्शंस आपको कम मिले जहाँ पे 3 BHK विद 3 वॉशरूम मिले, अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिले, सारे बॉक्सेस एक कस्टमर के टिक हो जाएं, बहुत टफ लगता है आज के टाइम पे। लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शंस दे सकता हूँ, तो वो होगा एक ओमेक्स का वाटरस्केप्स ट्राई कर लें, ओमेक्स R2 ट्राई कर लें, डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कुछ आपको ऊपर नीचे मिलेगा, लेकिन पार्थ आद्यांत एक ऑप्शन है, प्रॉब्लम्स उसमें भी कुछ मिलेंगी, लेकिन ये 2-3 ऑप्शन हैं जो रेडी टू मूव हैं, 3 BHK के हैं, 3 वॉशरूम के साथ हैं और आपको ठीक ठाक लोकेशन में, अच्छी लोकेशन में आपको आपके हिसाब का घर मिल जाएगा। अंसल्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हुए हैं क्योंकि अंसल्स एक पूरी टाउनशिप, अब लोगों को बहुत सारे डेवलपमेंट दिख रहे हैं और अभी आते चले जा रहे हैं आने वाले टाइम में, तो जो चीज़ आज शायद थोड़ी महंगी लग रही है, ये बात 100% है कि महंगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में और रेट ऊपर मूव करेंगे। तो 3 BHK विथ 3 वॉशरूम 90 लाख रुपीज़ की रेंज में मैंने 2 से 3 ऑप्शन ऐसे आपको बताए। रिशिता मैनहट्टन एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप एक बार और ट्राई कर सकते हैं, उसमें रीसेल की यूनिट जो 1350 स्क्वायर फुट के आसपास की थी वो 90 लाख के आसपास में आपको वहाँ कॉस्ट नहीं चाहिए, लेकिन लखनऊ का आज का सच ये है कि ये प्राइसेस अभी एस्टैब्लिश हो गए हैं। अब इसमें इन्वेस्टमेंट का एंगल बिल्कुल नहीं है, ये प्रॉपर एंड यूजर के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आप 3 BHK इस रेंज में जाके परचेज कर सकते हैं। अभी कोई भी मिड सेगमेंट का फ्लैट 90 लाख 1 करोड़ 80 लाख रुपए में जो हम खरीद रहे हैं, जो भी ऑप्शन इस समय मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट एंगल नहीं है, तो ये सोच के बिल्कुल मत एंट्री लें कि उसमें अच्छा दाम बनेगा, ये सब एंड यूजर प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेरी है लुकिंग टू बाय अ प्लॉट फॉर एंड यूज विच इज़ बेटर ओमेक्स मेट्रो सिटी पेंटेल DLF और अमरावती और एनी अदर अपकमिंग टाउनशिप आई हैव 3-4 ईयर्स टाइम। मेरे हिसाब से
अनसल्स में अभी कुछ ऑप्शन आने वाले हैं, मेरे ख्याल से अगले 3-4-5 महीने के अंदर आने चाहिए। जब आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। उसके लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, नहीं तो मेरा पहला सजेशन होगा पेंटेल, सेकंड वुड बी अमरावती। लेकिन पेंटेल में तो आपको 100% 3-4 साल बाद आप रहना शुरू कर सकते हो, बसावट दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन अमरावती में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि अमरावती में रिटर्न्स लोगों के बहुत ज़्यादा बने हैं। एक टाउनशिप जो 18-20 हज़ार से स्टार्ट हुई है, 55-60 हज़ार की रेंज पर चल रही है, और आने वाले टाइम में 70,000-75,000 के रेट तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उसमें इन्वेस्टर्स को जब इतने ज़्यादा अच्छे रिटर्न बन गए हैं, तो मैक्सिमम जो प्लॉट होंगे उन पर बसावट कम है, चांसेस कम है कि उस पर बसावट आएगी। जो कस्टमर जब रीसेल में उनको परचेज करेंगे तब बसावट आएगी। तो मेरी नज़र में पेंटेल आपको ट्राई करना चाहिए, पहला ऑप्शन। सेकेंड वुड बी अमरावती। और इसके अलावा इनसे भी अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से आने वाले 2-4 महीने में अनसल्स के अंदर आना चाहिए। अगर वो ऑप्शन पे के लिए आप होल्ड कर सकते हैं तो आप रुकें। DLF बहुत अच्छी वेल मेंटेन टाउनशिप है, लेकिन फिर भी लोकेशन की वजह से शायद मैं उसको चूज़ नहीं करूँगा। तो ये मेरा टेक होगा, जो आपने 3-4 ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से पेंटेल अभी फ़िलहाल लीड करता है, जो आपको आँखों के सामने भी है, और 3-4 साल के अंदर आप मकान बना के रहने का जो आपका ड्रीम है वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि फेज़ वन में ऑलरेडी रजिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। अमरावती में अभी भी 2-2.5 साल का टाइम लगेगा रजिस्ट्री स्टार्ट होने में, उसके बाद 2-3 साल का टाइम लगेगा बसावट को आने में। ये मैं बेयर मिनिमम बात कर रहा हूँ। बिपिन उपाध्याय जी की क्वेरी है, सर ग्रीनबेरी सिग्नेचर बिल्डर ने प्रॉमिस किया था June 2023 में दे देंगे, लेकिन अभी वो बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर देंगे। सर कभी भी किसी वर्बल कम्युनिकेशन पे मत जाएं। होता क्या है कि अभी जैसे हम लोगों ने ओरो एलिमेंट्स प्रोजेक्ट हमने बहुत सेल किया था, हम लोगों को एंटीसिपेशन था अक्टूबर या दिसंबर 2022 में इसका पोजीशन रजिस्ट्री आना चाहिए, लेकिन पोजीशन को स्टार्ट होते होते एक्चुअली अगस्त जुलाई 2023 आया, और जुलाई से स्टार्ट होके अब तक मैं बहुत सारे लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन वो 6-7 महीना गाड़ी आगे चली गई। वो होता क्या है कि बिल्डर हमेशा एक टाइमलाइन लिख के देता है अपने पेपर्स पे, 36 मंथ, 44 मंथ, 54 मंथ, वो टाइमलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। और अभी बीच में कोविड आ गया था, तो अगर ये प्रोजेक्ट भी कोविड के बीच में आया है, तो सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है टू ईच एंड एवरी बिल्डर, क्योंकि 6 महीना काम बहुत ज़्यादा सफर रहा, काम लेबर्स नहीं थे, बहुत सारे प्रोक्योरमेंट्स होने में प्रॉब्लम हो रहा था, सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो गई थी। तो आपको अपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो डेट लिखी है, जो रेरा में डेट लिखी है, उसको आपको रेफर करना पड़ेगा। अगर वो डेट क्रॉस हो जाती है तब आप रेरा जरूर जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर वो डेट क्रॉस नहीं हुई है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। वर्बल कम्युनिकेशन सेल्स में, वर्बल कम्युनिकेशन ऐसी चीज है जो एंटीसिपेशन होती है। अब वो हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो 2-4-6 महीना आगे जाएगी, लेकिन वो रेरा की जो टाइमलाइन है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, या फिर अगर रेरा ने बीच में कोई एक्सटेंशन दे दिया है तो एक्सटेंशन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो वो आप जरूर रेफर करें अपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट को, और रेरा नंबर डाल के रेरा की वेबसाइट पर रेफर करें। वर्बल कम्युनिकेशन से आप कुछ नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेरी है, मैं आपके वीडियोस रेगुलरली फॉलो करता हूं, माय बजट इज अराउंड 35-50 लाख रुपीस, व्हिच इज बेटर, ओमेगा, सन सिटी और ब्लिस डिलाइट, और यू सजेस्ट एनी अदर प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी इजीली सेलेबल एंड प्रोवाइड मी गुड रिटर्न, आई वुड बी ऑब्लाइज इफ यू आंसर माय क्वेरी। सर व्हाई नॉट, मैं हम आंसर करने के लिए बैठे हैं। ब्लिस डिलाइट का लोकेशन इज वेरी गुड, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में आपको थोड़ा सा इशू होगा। विद अनसल्स, अनसल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सामने अटल यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बनने के बाद आपको अच्छे रेंटल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अनसल्स के अंदर का बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम मार्केट बन चुकी है, उसका फायदा मिलेगा ब्लिस डिलाइट को, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में आपको 100% कुछ इशू होंगे। लोकेशन 10/10 मैं ब्लिस डिलाइट को देना चाहूंगा, प्राइस में 10/10 में इस समय जिस प्राइस पर चल रहा है मैं उसके साथ जाऊंगा। और बीइंग लेवाना प्रॉपर्टी, तो लेवाना ने पिछले 15-20 साल में सारे ही प्रोजेक्ट पोजीशन किए हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में अप डाउन हो सकता है, लेकिन आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा प्लेयर जो है ओमेगा, वो भी बहुत रेप्यूटेड प्लेयर है, उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी इनफैक्ट उसकी बहुत अच्छी रहती है, कहीं कोई इशू नहीं है, पूरी बहुत बड़ी एक टाउनशिप डेवलप कर चुके हैं फैजाबाद रोड पर। मैं तो मास्टर मानता हूँ, शालीमार से बड़ा ब्रांड मानता हूँ मैं फैजाबाद रोड पर ओमेगा बिल्डर्स को। अब उनका जो प्रोजेक्ट है बेसिकली सन सिटी, वो थोड़ा लिमिटेड, वो एक ऐसी लोकेशन पे है जो कुछ ऑडियंस को सूट करेगा, वो सबके लिए नहीं है। ब्लिस डिलाइट एक सेंट्रल लोकेशन पे है, तो अगर आपका इंक्लिनेशन थोड़ा सा फैजाबाद रोड, अयोध्या, ये सब को दिमाग में रखते हुए है, ओमेगा सन सिटी को चूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर मैं एक जेनरिक टर्म्स में बात करूं और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर इस बात से आप रेडी हो तो फिर आप ब्लिस डिलाइट जाएं एनी डे। आज के करंट प्राइस पे 100% पैसा बनाने वाली डील है।
और अगर नहीं बेचना हुआ तो रेंटल बहुत अच्छे निकाल पाओगे इस प्राइस पॉइंट पे। आपकी रेंटल यील्ड जो है वो लगभग 3.5-4% के आसपास हो सकता है, आने वाले टाइम में 4% भी निकल आए एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में, जो कि बड़ी बात है लखनऊ शहर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेरी, मैं इनके नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे अलग अलग हैंडल्स हैं तो उन हैंडल्स पे नाम मेंशन नहीं रहता है, इसीलिए अब नेक्स्ट क्वेरी है। आपने लाला जुगल किशोर वास्तु और इम्पीरिया से भी अच्छे ऑप्शंस मार्केट में बताए हैं जो 2000 से 2500 तक होंगे, कोई अप्रूव साइड है जहाँ पे मैं परचेज कर पाऊँ? और सेकंड क्वेश्चन है, सेज सिटी में 1260 में लिया था, 2030 तक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्या करूँ बताएं? मेरे हिसाब से सर, मैंने जब लाला जुगल किशोर इम्पीरिया की बात करी थी ना, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है 30 लाख 35 लाख में हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम 25-30-35 लाख की बात करते हैं तो मैंने एक वीडियो किया है इंस्टाग्राम पे, आप जाके जरूर चेक करिए कि अगर आपके पास 20-25 लाख है तो भी कैसे पैसा बना सकते हैं, पहला। दूसरा, सिर्फ बिल्डर के पास प्लॉट हैं या बिल्डर के पास प्रोजेक्ट्स हैं ऐसा नहीं है। मानसरोवर योजना मैंने बहुत बार बोला है, 400-500 स्क्वायर फुट के प्लॉट जो 16-17 लाख के टाइम पे थे आज 21 लाख के हैं सिर्फ 1.5 साल के अंदर। आज आप 21 का लीजिए वो 25 या 26 होंगे अगले 1.5-2 साल के अंदर। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बिल्डर जो बना रहे हैं, चाहे वो ओरो हो, चाहे वो एल्डिको हो, चाहे वो शालीमार हो, इनके बाहर भी दुनिया है, इनके बाहर भी LDA काम कर रही है, आवास विकास काम कर रही है। हमको जब हम अपने पैसे को बाजार में लगाने निकले हैं तो हम पूरा रिसर्च करें। हम एक्चुअली बड़ा आसान चाहते हैं, मैजिक ब्रिक कर लें, 99 कर लें, अमन चावला का चैनल देख लें, LDCO क्या लेकर आया है, कहां पे क्या है, हम बस बैठ के ऑनलाइन सर्च किया, एक प्लॉट में ले लिया। इसीलिए बिल्डर्स के प्राइजेस कहां जा रहे हैं, LDA के प्राइसेस, LDA के जो रीसेल प्लॉट्स के ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लोर करें, आवास विकास के जो रीसेल प्लॉट्स के ऑप्शन है उनको भी एक्सप्लोर करें। 25-30 लाख की रेंज में आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे 400-500 स्क्वायर फुट के। अब साइज से उसको कभी भी प्रॉपर्टी में, एक मैं आज गुरु मंत्र देना चाहता हूं, 5000 का है, 7000 रुपये स्क्वायर फुट का है, 10000 रुपये स्क्वायर फुट का तो बहुत महंगा है, ऐसा नहीं होता है। DLF कमीलियाज गुड़गांव के ऐसे अपार्टमेंट जो 30 से 40 करोड़ के आज से 5-6 साल पहले थे, आज 60-65 करोड़ की रेंज के प्रोजेक्ट्स हैं वो। जो अंसल एक जमाने में कमांड करता था 5,000-4,000 रुपये स्क्वायर फुट का रेट, आज 8,000 पे, जो आज 8,000 है वो आने वाले टाइम में 15,000 होगा। गोमती नगर हमेशा से महंगा रहा है, इंदिरा नगर अलीगंज महंगे रहे हैं, तो जो तब भी महंगा था वो महंगा कंटिन्यूस चल रहा है क्योंकि वहाँ एक इकोसिस्टम बनता है। रेट्स इस तरीके से नहीं चलते हैं कि एक सर्टेन प्राइस टैग आ गया है क्योंकि ये प्रॉपर्टी 3 करोड़ की हो गई है तो अब ये 5 नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। हमको फुल वैल्यू फॉर मनी देखनी होती है, उस लोकेशन के हिसाब से क्या चीज़ है। तो अगर मैं 400 स्क्वायर फुट का प्लॉट 20 लाख रुपए में लेता हूँ, मोटा मोटी 5,000 रुपये का रेट हो गया, हाय राम ये तो 2500 में मुझे फला जगह मिल जाती, लेकिन यहाँ पे तुरंत मार्केट बनी हुई है 5,000 के रेट पे। अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो हो सकता है अगले 2 साल के अंदर यहाँ 6,000 मुझे 24 लाख या 25 लाख रुपए का रेट ऑफर हो जाए साल भर के अंदर ही, क्योंकि पूरी मार्केट बनी हुई है, बसावट ऑलरेडी आ गई है। 5,000-8,000 हो जाएगा और हो सकता है 2500 वाले को 4,000 होने के लिए हमको 7-6 साल इंतजार करना पड़े। तो इस तरीके से आपने मार्केट के अपने डिसीजंस को इस तरीके से ना रिस्ट्रिक्ट करें, मार्केट के हिसाब से चलें, लोकेशन के हिसाब से चलें और सिर्फ बिल्डर तक अपने आप को सीमित मत रखें। तो मेरे हिसाब से मानसरोवर योजना एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं प्लॉट्स के लिए, और बाकी 20-25-30 लाख रुपए है और करोड़ तक का अपना पोर्टफोलियो लेके जाना है तो इंस्टाग्राम पे एक रील है, उसको जरूर जाके इंस्टाग्राम चैनल पे जाके उसको फॉलो करें, उस पेज को फॉलो करें, और वहां हम छोटा 1-2 मिनट के अंदर का कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आ रहे हैं, स्पेशली वर्क कर रहे हैं ऐसे कंटेंट पे जिस पे मैक्सिमम लोगों तक एक आपकी रीच हो, तो उस पे आपको आइडिया लगेगा 20-25 लाख के साथ भी करोड़ रुपया कैसे बना सकते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके। नेक्स्ट क्वेरी है, ओमेक्स मेट्रो सिटी में जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनका फ्यूचर क्या लगता है? फ्यूचर बहुत अच्छा है, सिर्फ एक कमी है, क्योंकि मेरा चैनल भाई कॉन्स की वजह से चलता है, मुझे प्रोस जो हैं वो मार्केट का हर आदमी बता देगा, बहुत सारे चैनल मेरे बात खुले जो प्रोस 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 सेल सेल सेल, मेरा चैनल कॉन्स के लिए फेमस है, मैं जो भी बात करता हूँ बहुत ट्रांसपेरेंट क्लीन क्लियर बात करके अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपके सामने रख देता हूँ। तो क्योंकि आपने पूछा है ओमेक्स मेट्रो सिटी कमर्शियल प्लॉट बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, 5-10 साल के अंदर मुझे लगता है अच्छे रिटर्न मिलेंगे, एक ही कमी है जो उन प्लॉट्स का फ्रंट है और गहरान है, इससे पूरे जो बिल्डिंग का जो व्यू आएगा वो बहुत ख़राब होने वाला है, वो एक पतला सा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का होने वाला है, जबकि अगर फ्रंट बड़ा होता तो अच्छी चीज़ होती। तो कोशिश करें वहाँ पे वो प्लॉट्स लें जिनका फ्रंट अच्छा हो, और अगर आपकी बाइंग कैपेसिटी है तो 2 प्लॉट मर्ज करके अगर ले सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल डिसीजन होगा, क्योंकि किसान पर सामने से निकल रहा है, रायबरेली रोड में PGI बिल्कुल पास में है, एक मार्केट इकोसिस्टम वहाँ पे बना हुआ है,
हुआ है, आगे DLF की भी टाउनशिप है, तो कमर्शियल प्लॉट्स एनी डे एनी लोकेशन अगर वो अप्रूव्ड हैं, अच्छे प्लेयर ओमेक्स एक अच्छा रेप्यूटेड प्लेयर है उसके पास में है, तो जरूर आप पैसा लगाएं, 100% रिटर्न बनेगा, 100% अच्छे रेंटल्स मिलेंगे। और एक और चीज़, कमर्शियल प्लॉट वर्सेज कमर्शियल ऑफिस स्पेस को जो बिल्डर बेचते हैं उसमें एक फ़ायदा क्या है, प्लॉट आपने लिया 2000 स्क्वायर फुट का, उसका आगे पीछे का आपको एरिया छोड़ के नीचे का ग्राउंड फ्लोर आपने कवर किया उसको लगभग 1500 फुट के आसपास, एज पर LDA प्लान्स में बात कर रहा हूँ, आपको फर्स्ट फ्लोर पूरा का पूरा मिला कवर करने के लिए, फर्स्ट फ्लोर आपने यूज़ किया 1800-1900 स्क्वायर फुट का, उसके ऊपर आपने यूज़ किया अगेन 1800-1900 स्क्वायर फुट के आसपास का, तो आपको 2000 स्क्वायर फुट के प्लॉट पे बिल्ट अप एरिया मिल गया क्लोज टू 4000-5000 स्क्वायर फुट का। यही उल्टा होता है जब हम ऑफिस स्पेस लेने जाते हैं किसी बिल्डर के पास, हम पैसा देते हैं 2000 स्क्वायर फुट का, 50% 40% 60% लोडिंग निकल जाती है तो मिलता है 1000-1200 स्क्वायर फुट। तो प्लॉट के साथ एडवांटेज ये है कि मेरे हाथ में है, मैं उसको मल्टीपल यूज़ कर सकता हूँ, ग्राउंड फ्लोर मैं किसी एक को दूँ, फर्स्ट फ्लोर किसी और वेंडर को दूँ और सेकंड फ्लोर मैं किसी और को दूँ, मेरे को मल्टीपल तीन जगह से रेंट आ रहा है, मैं एक पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैंने 2000 स्क्वायर फुट से 5000 स्क्वायर फुट का बिल्टअप क्रिएट कर लिया और बाकी बिल्डर जो ऑफिस स्पेस सेल करते हैं उसमें 5000 स्क्वायर फुट अगर मैंने खरीदा तो मुझे मिला 2000 या 2500 या 3000 स्क्वायर फुट, क्योंकि उस पर लोडिंग 100% होगी। तो प्लॉट एनी डे कमर्शियल प्लॉट, बहुत कम बिल्डर्स हैं जो इस पर डील करते हैं, ओरो ने अभी बीच में निकाले थे, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, ओमेक्स के पास अभी हैं उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बस ओमेक्स वाले में एक प्रॉब्लम है कि फ्रंट थोड़ा बड़ा होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, तो ऐसे प्लॉट्स कोशिश करें जिनका फ्रंट अच्छा हो, जो 18-19-20 फ्रंट वाले प्लॉट्स हैं वो थोड़ा सा एक कौन है मेरी नज़रों में, बाकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, अप्रूव्ड है, ज़रूर आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। विशाल जी की क्वेरी है, एक 2800 स्क्वायर फुट का कमर्शियल जोन में दियोरिया में प्लॉट है, दियोरिया उत्तर प्रदेश में एक सिटी, वहाँ पे उनके पास एक प्लॉट है, उसको डिमोलिश करके कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं और ऊपर रेजिडेंशियल फ्लैट बनाना चाहते हैं, तो मेरी नज़र में बेस्ट है ये, मतलब अगर इतना बाइंग कैपेसिटी है, इतना पैसा लगाने का आपके पास में बजट है तो 100% ये इससे अच्छा कुछ नहीं है, जैसा मैंने इससे पहले वाली क्वेरी में आंसर किया, ये बेस्ट रहेगा आप उसको पूरा तोड़ के डिमोलिश करके, कमर्शियल जोन में होना और उस प्लॉट का लैंड यूज़ कमर्शियल होना, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, अगर वो लैंड यूज़ उसका कमर्शियल है तभी ये सोचें, अगर आपको लगता है कि लैंड यूज़ उसका रेजिडेंशियल है लेकिन वो लोकेशन कमर्शियल हो गई है, तो जब तक सरकार उसके अप्रूवल ना दे आपके प्लॉट का लैंड यूज़ रेजिडेंशियल से कमर्शियल ना हो तब तक ना करें, गवर्नमेंट वहाँ की अथॉरिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पार्किंग को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लगने वाले जाम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और ऐसे चलता रहा तो फिर जो गवर्नमेंट के कमर्शियल पैचेस हैं उनको कौन खरीदेगा, तो वो आज नहीं तो कल एक तलवार लटक सकती है, पहली कोशिश अथॉरिटी से उसका लैंड यूज़ जो भी फीस है वो जमा करके उस लैंड यूज़ को चेंज कराएं रेजिडेंशियल से कमर्शियल में, फिर उस पर बनाने का सोचें, लेकिन अगर वो कमर्शियल जोन में है और वो लैंड यूज़ भी उसका कमर्शियल है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है, बना के आप उसको एग्जीक्यूट करें, बहुत बढ़िया होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे लखनऊ में तो अभी लैंड यूज़ कन्वर्जन रुके हुए हैं, अगर रेजिडेंशियल लैंड यूज़ है तो वो कमर्शियल लैंड यूज़ में कन्वर्ट नहीं होगा, अथॉरिटीज़ ने अभी परमिशन नहीं दी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लेकिन अभी उसका फाइनल अप्रूवल है नहीं, जब तक वो अप्रूवल ना हो तब तक इस तरीके का कोई भी काम ना करें, हो सकता है कल को आप करोड़ों रुपया लगा के एक बिल्डिंग बना दें और अथॉरिटी उसको आके सील कर दें या अथॉरिटी उसको आके तोड़ने का ऑर्डर दे दे तो फिर बहुत बड़े प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो, तो इसीलिए अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है और कमर्शियल जोन में है तो ये काम नहीं पॉसिबल है, अगर कमर्शियल जोन में है और कमर्शियल लैंड यूज़ है कागजों पे लिखा हुआ है इट्स ए कमर्शियल प्लॉट तभी उस पे करें, इसीलिए आज के टाइम पे जो बिल्डर्स कमर्शियल प्लॉट निकाल रहे हैं अगर ऑप्शन मिल रहा है LDA अप्रूव्ड कमर्शियल प्लॉट तो मतलब उसको छोड़ना जरूर, बिल्कुल उसको 100% पकड़ लें, ले लें अगर बजट अलाउ करता है तो। आज की क्वेरीज यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप कुछ लोगों के लिए बोरिंग होगा कुछ लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा जिनको आंसर्स मिल गए उनकी क्वेरीज के, इसी तरीके से प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, हमारे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाके हमारे पेजेस को फॉलो करें और अपना प्यार बनाए रखें, थैंक यू सो मच।